गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो लाडलो? ध्यान से देखो, वैसे ये देखियो, शर्म भी ना छोड़ दिया जो पी गए सारा भाई मेरा। मैं काम में ध्यान था, ध्यान ध्यान में मेरा नाम का प्रोटीन पी गए। ऑल इंडिया राइड ना, प्रोटीन इंडिया राइड है। वैसे ये जो ये वाली लोकेशन है जो चलती हुई बाइक का ड्रोन शॉट एक नंबर का आएगा, बट मैं ले नहीं रहा बिकॉज अपने पास सिर्फ एक ही बैटरी है, बिकॉज मेरी दो बैटरियां ड्रोन की ख़राब हो चुकी है। और जो पीछे एक सीन आया था कर्व होते हुए वापस इस रोड पे चढ़ने का, वो भी अल्टीमेट था, वो भी मैंने ले लिया बिकॉज हमारे पास एक ही बैटरी है तो हम एक ही ड्रोन शॉट ले सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर हो, बहुत अच्छी लोकेशन हो, जिससे पहले कोई ड्रोन शॉट नहीं ले सकता। और रोड अल्टीमेट है, अल्टीमेट। और इस रोड पे बहुत सारे लीचियों के बाग आएंगे बिकॉज मैं बहुत टाइम पहले अपने घर वालों के साथ आया था, 5 किलो लीची ऐसे ही खा गया था गाड़ी चलाते चलाते बहुत सारी ली थी यार, बहुत ज़्यादा, और इतनी टेस्टी थी, मज़ा आ गया था खा के। ये गया घोड़ा। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, देखो बाइक टेढ़ी चल रही है, देखो ऐसे है, बताओ क्यों? क्योंकि जो हवा बहुत ज़्यादा लग रही है ना, उसको प्रेशर मेंटेन करने के लिए ऐसे चलानी पड़ रही है, बाइक सीधी नहीं चल रही, ऐसे ऐसे चल रही है, देख लो ऐसे टेढ़ी हो रही मेरी भी, मतलब इतनी तेज हवा है पूछो ही मत। क्या हुआ सर जी? आवाज ले रही है, वैसे कोडी करनी पड़ रही है, हवा बहुत ज्यादा तेज है, तेरी बाइक टेढ़ी है मेरी भी है, ऐसे बैलेंस बनाना पड़ रहा है जबरदस्ती। मेरे को भी अभी पीछे लगा था, मैंने बैग संभाला, मेरा बैग सीधा है ना, हवा टेढ़ी है, ऐसे ऐसे करनी पड़ रही है। तो भाई ये एक सब्वे में रुके हैं, मैं और उस्ताद जी खाएंगे पराठे, हम छोटी चीज़ ना खाते, ये खाएंगे छोटी चीज़। इस सीन के बाद क्या पता क्या डायलॉग आया था, क्या क्या कहेंगे अंकल जी? भाई तहीर पराठा लेंगे, कुक कर लेंगे, हिसाब का उसे बिठा के नाप के। चलो भाई, थैंक यू सब्वे, अच्छा सा सैलेड खिलाने के लिए। और अब निकलते हैं पठानकोट की तरफ, तो पठानकोट से हमारे फ़ोनों की रेंज चली जाएगी बिकॉज किसी के पास भी पोस्टपेड कनेक्शन नहीं है। तो लेट्स गो गो रे छोरे गो गो। ओहो चल धनो, तो यहाँ से करीब 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 5-6 घंटे का सफ़र है वैष्णो देवी का, और हमें लग जाएंगे करीब करीब 8 घंटे। टाइम हुआ है 11:30 बिकॉज ड्रोन शॉट्स भी लेने हैं रास्ते में और खाना भी खाना है। तो ये आ गया फर्स्ट ऑल अमृतसर की तरफ से पठानकोट जाते टाइम, तो देखो बहुत कम ही गैप है इधर लेफ्ट और राइट में, तो अमित भाई को पूरा ध्यान दे के निकालनी पड़ी बिकॉज मेरे भी हैं बैक साइड में। ओह मैंने भी इतनी निकाली होगी भाई साहब पूरा बच बच के आते हैं, मतलब पूरी गाड़ी टाइप है और बाइक का रास्ता था ना वो, अपना तो पूरी गाड़ी है यार। ये मिला भाई साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, चाइनीज खाना लग गई भाई, स्टैंड लग गया। तो वर्सेस में यही प्रॉब्लम है इसकी, जो मतलब वेट लगने के बाद ना बहुत नीची हो जाती है, वैसे तो ठीक है लेकिन वेट लगने के बाद। भाई कहा था ना नाप के पराठा खाएंगे, तो उस्ताद जी नापने वाला पराठा देख रहे कौन सा भेज दिया, भेज दिया आलू पराठा, आलू पराठा, आलू पराठा। और तू क्या खाएगा? ब्लैक कॉफी। यो ना खाओ भाई, यो बनाओगा दही, हम खा लें भाई बाद में बना लें दही तो आता है पराठा दिखाते और फिर चलते हैं। और पठानकोट के बाद सिम नेटवर्क बंद हो जाएगा तो पहले ही अपडेट कर देंगे, स्टोरियम बंद हो गया।
आप लाडलो से सबसे हाथ जोड़ के मैं एक माफ़ी मांगना चाहूँगा। गलती से मैं कल बहुत नींदों में चला हूँ यार, सच में बहुत ही ज़्यादा नींदों में। मतलब मैंने ज़िंदगी में इतनी नींद कभी नहीं मतलब महसूस की होगी जितना मैंने कल करी थी। काफ़ी दूर दूर तक मैं नींदों में बाइक चलाता रहा, मतलब नींदों में नहीं, मैं सो रहा था बाइक पे और पता नहीं कौन मेरी बाइक चला रहा था। सच में यार भगवान ने मेरा बहुत साथ दिया कल, वरना मैं इस दुनिया में नहीं होता। बिकॉज मैं पूरी नाइट की नींद थी, नाइट से इतना प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उससे पहले जो मेरी थकान थी ना, बहुत ज़्यादा थकान थी, मतलब उस थकान की वजह से मैं उस नींद को हैंडल नहीं कर पाया। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यार, अगर आपके साथ ऐसा होना तो कभी भी मत करना। मैं मजबूरी में करता रहा, बोल नहीं पाया कि भाई नींद आ रही है, क्योंकि नींद ख़राब हो, मतलब यार पूरा एक दिन ख़राब हो जाता अगर मैं वहाँ आके सो जाता। तो बिल्कुल भी मत करना यार, बहुत मतलब मैं अब सोच रहा हूँ ना, मेरे मतलब मैं कांप रहा हूँ अगर मेरा हैंडल उधर उधर हो जाता, या फिर मेरे आगे गाड़ी आ जाती, या कुछ हो जाता। मतलब मैं तो सो रहा था, बाइक चल रही थी, कई बार तो मुझे एहसास हो रहा था मेरी बाइक कोई और चला रहा है, जब एकदम से आँख खुलती थी। भाई सच बता रहा हूँ, बहुत गंदा एक्सपीरियंस था वो, मतलब उस तरीके से गंदा था, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस इसलिए कि भगवान ने कहा है कि अभी तू जिंदा रहे। तो यहाँ से जम्मू है 88 किलोमीटर कटरा की चढ़ाई, और वो मुझे याद नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन मतलब 88 किलोमीटर और ये प्लेन टाइप सा ही है, और उसके बाद नाम नाम का हिल एरिया, बिकॉज फोर लाइन बन गया है, तो अच्छी खासी स्पीड से बाइक चढ़ जाएगी। ये हमारे फौजी साहब, ये लास्ट नेटवर्क प्लेस है, जो कि मतलब यहाँ से आगे जाने के बाद नेटवर्क डेड हो जाता है। तो बाय बाय नेटवर्क, मिलते हैं एक दो दिन में, ब्रेक कर कूद गई। मतलब ये ना, कई बार व्लॉगिंग करते 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 ना एक दो गड्ढे भी खाने पड़ते हैं ना, वो क्या करें फिर, आप सबके लिए करना पड़ता है सब भैया। लो भाई, सारे गुप्त सूत्रों से पता लगा कि रास्ता खुला है बाइक के लिए, तो यस। तो चलो कटरा पहुंचते हैं, फिर बनाते हैं प्रोग्राम, लेट्स गो। पेट पूरा भर गया, लेकिन देखो एक डंडा कम दिखा रहा है, कई बार इसमें ऐसा ही है, देखो फुल हो गई, होता है ऐसा ही दिखाते हैं कई बार। जो कि बता रहा था, थोड़ी बहुत नींद आ रही थी अमित भाई को, तो चाय पिए और थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, फिर चलते हैं, देखते हैं कि देर में उठता है। हेलो भाई ने 21 मिनट की नींद ले ली, पावर नैप हो गया छोरे का, अब चलेंगे और सीधा ड्रोन शॉट पे मिलेंगे। ना मिलूं तो मैं वैसे भी गा, लेकिन चलेंगे और लेंगे ड्रोन शॉट जल्दी से जल्दी, बिकॉज ड्रोन शॉट लाइटिंग अच्छी हो तो ही आता अच्छा। ये आ गया वेलकम टू जम्मू, और हमें जाना है राइट। भाई की वेट कर लेता हूँ, यहाँ से राइट जाना है। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। लो भाई लाड लो, आप लो भाई लाड लो, आपके लिए दिल ही दिल, दिल ही दिल। पता जल्दी जल्दी में अटक गया था मैं दोबारा बोला दिल ही दिल, दिल ही दिल तो आगे से हमें जाना है लेफ्ट, और यहाँ से हुए थे हम राइट, तो कटरा के रास्ते तो चढ़ लेंगे भैया। कटरा का रास्ता चढ़ गए तो फिर ड्रोन शॉट भी ले लेंगे भैया, तो चलो जल्दी जल्दी ले लेते हैं ड्रोन शॉट्स, मस्त मस्त है, गजब से।
भाई लोकेशन कुछ ऐसे चूज करिए तो मुंह से और इस कैमरे से दिखाने की जगह हम डायरेक्ट कैमरे से दिखाते हैं, कहा था ना वहीं मिलेंगे, तो चलो ड्रोन शॉट मिलते हैं। माता वैष्णो देवी का दरबार, बस वहीं जाना है। माँ को अपनी बद्दी से कर दिखा गया नहीं। I'm just joking. अंकल जी होटल ठीक है? नजारा बहुत मस्त है ना, माता के चरणों में बैठे हैं। हाँ बाबू जी नहाएगा अब? हाँ भाई नहाऊंगा, रक्षा बाबू दबाओ कर कुत्ती। तो भाई रूम ले लिया और यहाँ पे वाईफाई अच्छा चल रहा है, तो कोशिश करेंगे एडिटिंग करके अपलोड करने की कोशिश करेंगे, बाकी पक्का नहीं पता। तो अब ये रूम मिला है 1500 रुपये में, यहाँ पे एक्स्ट्रा गद्दा डलेगा और एक बेड, बाकी ठीक है। और बाकी की अपडेट बाद में करूँगा, पहले ये बता देते थे रूम में आ गए और कितने रुपए का लिया। तो भाई पूरा सा रायता सा फैल गया और ये रूम इसलिए लिया क्योंकि यहाँ से दिखता है माता जी का दरबार। तो अब हम जाएंगे थोड़े बहुत रेडी वेडी होके माता के दरबार की तरफ, और सब कुछ चार्जिंग वार्जिंग लगा दिया है, और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, और आज की वीडियो अच्छी लगी उधर लाइक कर देना है, और अपने पंगाड़ा भाई को जरूर सब्सक्राइब करना। छोरा कत्ती के बताऊँ गच्छ है। चलो भाई।